उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के तहत आयोजित सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा जिले के 30 केंद्रों पर 2 पालियों में सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा में 13,326 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, जबकि परीक्षा में 6,737 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए और 6,589 परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। इस अवसर पर परीक्षा देकर निकल रहे परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर बहुत अच्छा आया था, जबकि कुछ परीक्षार्थियों ने बताया कि कठिन आया था। उम्मीद है कि रिजल्ट आने पर अच्छा परिणाम आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, थोड़ा सा 2 मिनट कोई मोबाइल नंबर कुछ बताएगा। स्मृति साय, UPSC AE का। कैसा रहा पेपर? पेपर सही था, नॉर्मल था। इससे पहले भी आपने एग्जाम दे दिया? ये नहीं, फर्स्ट टाइम दिया है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? अब पेपर तो सही गया है, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा जाता है, कट ऑफ कितना जाता है। आशुतोष पांडे, पेपर ठीक था, बेसिक आया था। इससे पहले भी एग्जाम दिया आपने? हाँ, इसके पहले भी दिया। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर ठीक हुआ। शीता निशा, UPSC AE। कैसा रहा आपका एग्जाम? सर अच्छा था पेपर। पेपर किस तरह का आया था? सर नियर अबाउट जैसे ESC में आता है ना, उसी से था, मतलब उससे मॉडरेट था। आप बोल सकते हो कि मतलब इजी था, जो प्रिपरेशन किया होगा सर। कैसा हुआ पेपर? मेरा अच्छा हुआ है। इससे पहले भी आपने एग्जाम दे दिया? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। मेरा नाम अमित सिंह, ये था कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज अभियांत्रिकी सेवा। किस तरह का पेपर आया था? लोक सेवा आयोग ने इसके पहले जो पेपर कराया था, ये 7 साल पहले कराया था, तो उससे तो अगर कंपेयर करें तो टफ था। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक था। इससे पहले आपने एग्जाम दे दिया? हाँ दिया था। क्या लग रहा है पेपर देने? तो पिछली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें तो वही कहना 7 साल पहले का एग्ज़ाम था, मतलब हुआ 4 साल पहले था, पर वो 2013 का एग्ज़ाम था, तो उसके हिसाब से तो कठिन और पैटर्न भी चेंज है। तब वो का पूरा मतलब 3 दिन वाला पेपर था, 3 दिन तक लगातार चला था, इसमें आज ही 2 दिन पेपर है, ऑब्जेक्टिव है पूरा, तो सब कुछ बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, फॉर्मेट बदल गया है, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हर साल तो ये एग्ज़ाम होता नहीं है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सहायक अभियंता का एग्ज़ाम गोरखपुर केंद्र पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यहाँ पर 30 केंद्र थे जिस पर 13,326 कैंडिडेट्स को बैठना था, लेकिन उसमें से 6,737 बच्चे ही केवल अपियर हुए, जिनका प्रतिशत 48.38% था और बाकी इसके अलावा एबसेंट रहे हैं। सर कितने पालियों परीक्षा है? ये 2 पालियों की परीक्षा थी, सुबह यहाँ शुरू हो गई थी 10 से लेकर 12:30 बजे तक और शाम की परीक्षा थी 2 बजे से 4:30 बजे तक।